दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि 10th एंड 12th पास लोग मॉन्ट्रियल के अंदर जॉब कैसे गेट कर सकते हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो को देखें, जरूर बेनिफिट होगा। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम सुलेमान है और मैं यूट्यूब के लिए वीडियोस वगैरह बनाता हूं। तो मैं इस वक्त हूं मॉन्ट्रियल के अंदर। सबसे पहले आपको मॉन्ट्रियल दिखा दूं कितना खूबसूरत है। तकरीबन कोई 10-11 बजे और एक्सेस रेल के थ्रू मैंने जो है वो टोरंटो से अपनी टिकट करवाई थी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कमाल की सर्विस है। एट अ टाइम जो है वो वहाँ से उसने निकली और उसके बाद जो है वो एग्जैक्ट टाइम पे उसने मुझे डाउनटाउन मॉन्ट्रियल के अंदर जो है वो उतारा। नीचे मैं मेंशन कर दूंगा कि उसका स्टेशन का क्या नाम था, लेकिन बहुत ही मुझे जो है वो अच्छा लगा। और अभी जो है वो मैं मिलने जा रहा हूँ अपने एक दोस्त से और वो भी यहाँ पे रहता है। और ये देखिए कितनी प्यारी जगह है, मैं आपको दिखाता हूँ। वाओ, अमेजिंग, दिस इज डाउनटाउन, यू नो लाइक, ओह माय गॉड, ये देखो यार। दोस्तों साथ साथ व्यू भी कर लो और मेन आते हैं मुद्दे की बात पे, 10th और 12th पास जॉब किस तरीके से मॉन्ट्रियल के अंदर अवेलेबल हैं। डाउनटाउन सबसे बड़ा एरिया होता है जहां पे हर किस्म के स्टाफ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो अगर हम लेबर की बात करें तो लेबर भी जो है वो डाउनटाउन के अंदर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनको क्लीन करने वाले लोग, उसके अलावा उन बिल्डिंग्स के अंदर जो बेसिक जॉब्स हैं वो सारी की सारी जो है वो 10th और 12th पास लोग बिल्कुल गेट कर सकते हैं। यहाँ पर डिप्लोमा होता है, 10th और 12th पास कंसीडर नहीं होता। आपने कोई भी काम करने के लिए आपको डिप्लोमा करना है और अगर आपके पास वो डिप्लोमा है तो आप वो काम को कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जॉब्स जो है वो मॉन्ट्रियल के अंदर अवेलेबल हैं। मेरी कुछ आउटसोर्सिंग कंपनीज़ के साथ रबते हुए हैं जो कि मुझे जॉब्स वगैरह इन फ्यूचर प्रोवाइड करेंगी उन दोस्तों के लिए जो मॉन्ट्रियल में आके काम करना चाहते हैं। मॉन्ट्रियल में आने के लिए आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है, फ्रेंच के बगैर यहाँ पर गुजारा बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं आप तमाम दोस्तों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग फ्रेंच को लर्न करना शुरू कर दें, क्योंकि जो चीज़ कम होती है उसकी डिमांड भी ज़्यादा होती है। तो फ्रेंच ये लोग सारे के सारे जो है वो यूरोपियन लोग जो फ्रेंच से वो यहाँ पे आके सेटल हुए थे, तो इसलिए यहाँ पे फ्रेंच बहुत ज़्यादा बोली जाती है। तो दोस्तों 10th एंड 12th की हम बात करें तो $12 फी आवर जो है वो कमा सकते हैं कि $12। दोस्तों ये वाला म्यूज़ियम ऑफ द मॉन्ट्रियल फाइन आर्ट्स, और देख रहे हो ये यूरोपियन टच दे रहा है जो है वो। और मुझे जाना है सीधा और ये चीज़ देखो जी, वाओ, अमेजिंग यार, अमेजिंग। डाउनटाउन दोस्तों किसी भी जो है ना कंट्री का बहुत ही ज़बरदस्त प्लेस होती है और मुझे तो बहुत मज़ा आता है डाउनटाउन में। ठीक है, हल्ला गुल्ला होता है, रश होता है और मैं आपको जो है वो अपनी शक्ल भी दिखाता हूँ साथ साथ। और ये देखो, तो बाय द वे हम बात कर रहे थे कि डाउनटाउन मुझे किसी भी जो है ना उसका बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, और ये देखो यार, ये मेरे पीछे वाली बिल्डिंग्स, इसी बहाने मुझे भी देख लोगे। तो इस बेस्ट प्लेस एंड लाइक रात को काफ़ी ज़्यादा हल्ला गुल्ला था और पार्टीज़ वगैरह क्लब्स हैं यहाँ पे, फ्रेंच ज़्यादा बोली जाती है एज़ कम्पेयर टू बाकी प्लेसेस के। बाकी में इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती है लेकिन यहाँ पे जो है वो फ्रेंच बोली जाती है। दोस्तों आप ये देखो बिल्डिंग्स, जब भी आप डाउन टाउन में आओ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की एक्सपेक्टेशन रखो। ठीक है, तो ये चीज़ थी। और रात को तो फिर मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड था तो मैं सो गया। ये क्या है, ओके, सो ये देखो डॉगी, छोटे से डॉगी। मुझे कहाँ जाना है, मुझे मैप पे देखना।
दोस्तों ये मेरे दोस्त के घर से व्यू है और सारा का सारा मॉन्ट्रियल जो है वो आप देख सकते हो, और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और ये सारा का सारा आप देख सकते हो मॉन्ट्रियल को। और एक ये आज मौसम भी बहुत अच्छा था, सनी मौसम था, जिसकी वजह से जो है वो वीडियो भी बड़ी ज़बरदस्त बनी है। दोस्तों यहाँ पे एक टर्म यूज़ होती है जनरल लेबर की या जनरल वर्कर की, और ये हर कैटेगरी में वो बंदा फिट आ जाता है। मिसाल के तौर पे अगर एक आईटी कंपनी है तो उसमें भी जनरल लेबर जो है वो सारे के सारे काम करेगा। उसके अलावा अगर एक प्रोडक्शन कंपनी है या वेयर हाउस कंपनी है या कुछ भी ऐसी कंपनी है जहाँ पर एक लेबर की ज़रूरत होती है तो वो वहाँ पर काम कर सकता है। तो उसको जो है वो $12 पर आवर से ज़्यादा जो है वो मिलेंगे। एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, अगर एक बंदा उसको सीख जाता है तो उसका जो डॉलर रेट है वो इंक्रीज कर देंगे, लेकिन अगर एक बंदा जल्दी नहीं सीखता तो उसको फिर जो रेट है उसको कम मिलेगा। और लेकिन जनरल लेबर की जो है वो कैटेगरी होती है जिसमें तमाम के तमाम 10th या 12th पास लोग। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ मॉन्ट्रियल के अंदर, आप देख सकते हैं मेरे जो साथ में है ये सारा का सारा जो है वो मॉन्ट्रियल का पोर्ट है, और आगे जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए और देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों मैं इस वक्त जहाँ पे मौजूद हूँ ये मॉन्ट्रियल का जो है वो ओल्ड पोर्ट एरिया है, और यहाँ पे जो चीज़ें हैं मुझे जो नज़र आ रहा है काफ़ी ज़्यादा शिप्स वगैरह आती हैं। आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे अच्छी शिप्स जो है वो मौजूद हैं, और बाकी ये एक पोर्ट एरिया है आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पर बड़ी शिप्स भी खड़ी हैं और बाकी अभी ये ट्रैवल एंड टूरिज़म जो है वो अट्रैक्शन जो है इन्होंने बनाई हुई है। और दूसरे नंबर पर मेरे अभी मुझे दोस्त बता रहा था कि यहाँ पर जो है वो लाइट को नाइट को बड़ा ज़्यादा ज़बरदस्त व्यू होता है, खूबसूरत व्यू होता है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो नाइट को ज़रूर देखें। मैंने तो आज लीव कर देना है, लेकिन ये है कि अगर मैं यहाँ पे नाइट को होता तो मैं जो है वो इसको ज़रूर इंजॉय करता। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट।